बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। खास बात इंडिया के इस न्यूज बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कई महत्वपूर्ण खबरें कर रही हैं आपका शिद्दत से इंतजार, उन खबरों से एक एक कर हम आपको जोड़ेंगे। आप हमारे स्क्रीन पर देखिए, इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि असम के गुवाहाटी के एक होटल में ठहरे हुए महाराष्ट्र के बागी विधायकों की टीम आज होटल से अलग हो गई, होटल को छोड़ दिया इन लोगों ने, और होटल को छोड़कर ये लोग पहुंच गए गुवाहाटी हवाई अड्डे पर, और गुवाहाटी हवाई अड्डे पर इन्होंने नारेबाजी की। एकनाथ शिंदे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरह की नारेबाजी की गई, इस तरह के नारे लगाए गए। और आप एक बार फिर से देखिए स्क्रीन पर कि ये तमाम विधायक यहाँ होटल में ठहरे हुए थे और इस होटल से ये लोग आज हवाई अड्डे की तरफ चले गए। ऐसा कहा जाता है कि ये लोग गोवा की तरफ गए हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। और फिलहाल महाराष्ट्र में एक भूचाल सा चल रहा है, और एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के नेता हैं, इनका कहना है कि 40 से ज़्यादा विधायक इनके टच में हैं और ये लगातार इनके टच में रहकर कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। इस तरह की बात एकनाथ शिंदे ने कही। और एक बार फिर से स्क्रीन पर देखिए कि ये विधायक किस तरह से रवाना हो रहे हैं होटल रेडिसन ब्लू से। दुर्गापुर के सृजनी हॉल में आज एक प्रशासनिक बैठक का आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता, इसकी अगुवाई कर रही थी प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने तमाम अधिकारियों को कई तरह के निर्देश दिए, कई तरह का ऐलान किया। आपको बता दूं कि पिछले 3 दिनों से मुख्यमंत्री पश्चिम बर्धवान और पूर्व बर्धवान के दौरे पर हैं, और इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया ऑनलाइन, और यहाँ उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की। तमाम चेंबर के पदाधिकारियों से उन्होंने उनकी राय ली और उनको कई तरह के सुझाव भी दिए। आपको बता दूं कि दुर्गापुर, रानीगंज, आसनसोल, उखड़ा और आसपास के इलाकों के तमाम व्यवसायिक संगठनों के लोग यहां मौजूद थे और पार्टी के लोग भी मौजूद थे, और दोनों जिलों के पूर्व बर्धवान और पश्चिम बर्धवान जिले के जिलाधिकारी और पुलिस के आला अधिकारी इस मौके पर मौजूद थे। पूर्व बर्धवान के SP भी यहां मौजूद थे और पश्चिम बर्धवान के आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर भी यहाँ खासतौर से मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने कई तरह की बातें कहीं। एक सवाल उठा कि दामोदर के ऊपर जो ब्रिज का निर्माण होना है वह कब होगा, और इसके जवाब में ममता बनर्जी ने साफ कहा कि ये केंद्र सरकार का मामला है, ये राज्य सरकार का कोई मामला नहीं है, केंद्र सरकार ये ब्रिज बनाएगी। इस तरह की बातें उन्होंने कही, और उन्होंने कई समस्याओं पर भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। आपको हम दिखा रहे हैं, आप देखिए स्क्रीन पर कि किस तरह से ममता बनर्जी जवाब दे रही है। यहां लोगों ने सवाल किए, प्रश्न किए, उनके प्रश्नों के उत्तर ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिए। खने एक केस चलछे CBI, तुमरा जानो एटाके केंद्र करे मामलाय जेरा करबार जन्य बीरभूमेर गरीब एक टोटो चालक के डेकेछिलो CBI। अत्याचारटा एमन एकटा जायगाय गेछे, नामी चिकित्सक अभिजीत चौधुरी के डेकेछिलो, টেলিগ্রাফের সাংবাদিক স্নেহময় চক্রবর্তী থেকে অনির্বাণ চৌধুরী এদেরও ডেকেছিল, তৃণমূলের বিধায়ক পঞ্চায়েত সদস্যদের ডেকে ডেকে হেনস্থা করা হচ্ছে, বিভিন্ন পেশায় মানুষ সবাইকে 1,000 লোককে একটা কেসে ডাকা হচ্ছে, হজ বড় লোক অফিসার থেকে শুরু করে
যাকে যা পড়েছে। এমএলএদের কারো কিছু আশা করি বলার নেই, কাজ করা ছাড়া নতুন করে চাওয়ার কিছু নেই, দেওয়ার ক্ষমতা নেই, কারণ যা দেওয়ার অনেক দেওয়া হয়েছে, প্রচুর স্কিম চলছে, স্কিমগুলো যাতে ভালো করে চলে, কেউ যাতে বঞ্চিত না হয়, সেটা আমি পূর্ব বর্ধমান পশ্চিম বর্ধমান সবাইকে দেখতে বলছি। কৃষকদের কোনো প্রবলেম থাকলে প্রদীপদা নিজে দুবার করে আসবেন, এবং ওঙ্কারও আছে যারা কৃষকদের ব্যাপারটা দেখে, সুব্বাইয়া আছে, এরা দেখে নেবে। এবার আমি বলবো দুর্গাপুর রানীগঞ্জ জামুরিয়া বাড়াবনি এলাকায় 80,000 থেকে 1,00,000 ঠিকা শ্রমিক কাজ করে। শুধু জামুরিয়ার একটা উদাহরণ আমি বলছি, আমি কিন্তু এটা কন্টিনিউ করতে দেব না। আগামী 15-20 দিনের মধ্যে এটা চালু, দেখে নাও যেটা চালু হয়েছে সারা বাংলা জুড়ে হলদিয়া থেকে একেবারে, দেখে নাও। এখানে আমরা মিটিং অলরেডি একটা করে দিয়েছি,